हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अभ्रक भस्म के बारे में जानकारी। मेरे हाथ में आप देख सकते हैं थोड़ा सा ब्रिक कलर का आपको एक प्रकार का भस्म दिख रहा है, इसे हम अभ्रक भस्म भी कहते हैं। अभ्रक भस्म को इंग्लिश में माइका ऐसा नाम दिया है। महारस वर्ग के अंतर्गत अभ्रक का रसशास्त्र में वर्गीकरण किया है। तो अभ्रक भस्म क्लिनिकल हिसाब से कहाँ इस्तेमाल होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। अभ्रक भस्म सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी, हेमरोजिक पैरालिसिस, अल्जाइमर डिसीज़, इस कंडीशन में यूज़ होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ब्रोंकाइटिस, COPD या अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस और ब्रांकोलाइटिस ऐसे कंडीशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। अभ्रक भस्म रिप्रोडक्टिव ट्रैक पे पर्टिकुलरली इनफर्टिलिटी में यूज़ कर सकते हैं। अभ्रक भस्म GI ट्रैक के अलग अलग डिसऑर्डर्स में इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार अभ्रक भस्म मेध्य बताया है, हृदय बताया है, वृष बताया है, दीपन, पाचन, इसके ऐसे गुणधर्म है। इसके अलावा अभ्रक भस्म योगवाही है, रसायन वाजीकरण कर्म भी करता है। अभ्रक भस्म वात पित्त कफ तीनों दोषों का नाशक बताया गया है। अभ्रक भस्म हम प्रमेह, गुल्म, शूल, कुष्ठ इस प्रकार के अलग अलग व्याधियों में यूज कर सकते हैं। अभ्रक भस्म का क्लिनिकल डोसेज 125 mg to 250 mg बताया गया है। अनुपान हम वैदिक के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू।